जानवी कपूर की एक फीमेल सेंट्रिक मूवी आई थी कुछ समय पहले जिसका नाम था उलझ। अभी ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, लेकिन कैसी है मूवी, लेट्स टॉक अबाउट इट। एंड आई एम सो हैप्पी कि इस साल काफी सारे फीमेल लीड मूवीज आए, फीमेल लेड मूवीज आए, और ऐसे ही कुछ मूवीज के ऊपर मैंने बात करी है इस वाले वीडियो में, प्लीज उसको चेकआउट कर लेना। तो ये मूवी की कहानी एक ऐसी IFS ऑफिसर की कहानी है जो काफी यंग है और जो एक फैमिली ऑफ पेट्रियट से आते हैं, यानी कि जानवी कपूर के कैरेक्टर के पापा और उनके पापा यानी कि उसके पापा और उसके ग्रैंडफादर दोनों ही काफी बड़े लेवल पे उन्होंने इंडिया को सर्व करा है, और इसी के वजह से जो इतना बड़ा पोजीशन मिला है IFS का जानवी कपूर को, लोगों को ऐसा लगता है कि वो नेपोटिज्म के कारण मिला है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब जानवी कपूर के कैरेक्टर को IFS बनाया जाता है और उसे भेजा जाता है UK में, जहाँ से वो एक बड़े कंस्पिरेसी का हिस्सा हो जाती है, अनविलिंगली उस कंस्पिरेसी में फंस जाती है, जहाँ पे उसे प्रेम करा जाता है एक देशद्रोही एक टेररिस्ट के नाम पे। और कैसे जानवी कपूर का कैरेक्टर इस सारे चीजों से बच के बाहर निकलती है, बाहर निकल पाती भी है या नहीं, ये इस मूवी की बेसिक कहानी है। और ये एक ऐसी टाइप की मूवी है जिसमें आपको काफी एंटरटेनमेंट वगैरह नहीं मिलेगा, या आप कह सकते हो कि एक काफी ग्राउंडेड थ्रिलर मूवी इन्होंने बनाने की कोशिश करी है। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा ये मूवी काफी हद तक आपको कंफ्यूज करेगी, काफी कंफ्यूजिंग इसका पूरा स्क्रीन पे लगता है, मजा आती है देखने में, काफी ग्राउंडेड वगैरह चीजें आपको फील होती है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो जाते हो। और इवन मूवी के क्लाइमेक्स में भी आप फिगर ही करते हो कि अच्छा इन्हें ये चीजें पता तो चली है और उन्होंने ये हमें एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस चीज को फॉलो करने में नाकामयाब हुए। पर्सनली मुझे ऐसा फीलिंग आया। अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो गुलशन देविया और जानवी कपूर दोनों का परफॉर्मेंस बढ़िया था। जानवी कपूर को मैं सच में बोलना चाहूंगा कि उनका कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर था कि वो काफी फ्राइटेंड है, काफी डरी हुई है वो, क्योंकि उसके आसपास लोगों को लगता है कि ये वो चीज डिजर्व नहीं करती है। एट द सेम टाइम वो प्रूव करना चाहती है कि वो डिजर्व तो करती है, और उसके साथ ही साथ वो ऐसे बड़े कंस्पिरेसी में फंस जाती है जहां से वो केपेबल है नहीं, उसे ट्रेनिंग ही नहीं मिली है, वो केपेबल है ही नहीं उस चीज से बाहर निकलने के लिए, और इसके वजह से वो एकदम फ्राइटेंड तरीके से एकदम घबराई घबराई सेम यू से उसकी एक्टिंग है, जो कि ऑन पॉइंट थी, मुझे पसंद आई। She did a fine job. और गुलशन देविया ही वॉज फनी, मतलब चार्मिंग है वो बंदा, जब भी वो स्क्रीन पे कुछ भी करता था मजा आता था उसको देखने में। वो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एंटागनिस्ट के साइड पे है, मैं ज्यादा उसके बारे में रिवील नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मजा आया था उसके सारे सीन्स देखने में। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मूवी 2 घंटे की है, आपको बांध के तो रखेगी, आपको थ्रिलिंग चीजें प्रोवाइड तो करेगी, मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हो काफी समय पे इस मूवी को देखते हुए, लेकिन मूवी डेफिनेटली आपको थ्रिल प्रोवाइड करती है, आपको एटलीस्ट एंगेजिंग लगती है, मजा आता है, क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले भी काफी फास्ट पेस है, आपको बोरिंग वगैरह नहीं होती है मूवी। हाँ, कंफ्यूजिंग हो सकती है लेकिन बोरिंग तो कतई नहीं होती है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी कंफ्यूजिंग इतने हद तक हो जाती है कि यहाँ पे आप काइंड ऑफ अपना दिमाग स्विच ऑफ ही कर लेते हो, आपको लगता है कि अच्छा ये चीज हो रही है लेकिन ये इतने बड़े गवर्नमेंट लेवल पे हो रही है, तो इसका वजह से बड़े रैमिफिकेशंस भी तो होने चाहिए उसके, लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग आप हो सकते हो, मे बी नॉट, बट या दैट्स व्हाट आई फेल्ट। स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिख रहा होगा जहां पे मैंने बात करी है सारे फीमेल लेड मूवीज जो कि आए हैं 2024 में फ्रॉम बॉलीवुड, काफी अच्छी लिस्ट है, देख लेना। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।